हेलो फिजोशीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजोशी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए जापानी बीएल ड्रामा माय स्ट्रॉबेरी फिल्म का लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। अभी तक आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिनारी सबको एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताती है, वो ये कि जिस वीडियो को लेकर वो लोग इतने परेशान हैं वो वीडियो दरअसल उसकी ही है और उस वीडियो में जो लड़की है वो उसकी माँ है। सभी को ये सुनकर बहुत जोर का झटका लगता है। मिनामी इतने दिनों तक उनसे ये बात छुपाने के लिए माफ़ी मांगती है। मिनामी उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर अपनी माँ के पहले प्यार को ढूंढने आई थी। कुछ महीने पहले जब उसकी माँ उसे इस दुनिया से छोड़कर गई थी, तब उनके सामानों को साफ करते हुए उसे ये वीडियो और अपनी माँ की एक लेटर मिली थी। जब उसने पहली बार वीडियो में देखा कि वो हूबहू अपनी माँ की तरह दिखती है तो वो काफ़ी चौंक गई थी। वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए वो बार बार उस वीडियो को देखने लगी थी। बार बार वीडियो देखने पर उसे एहसास होता है कि उसकी माँ उस इंसान से प्यार करती है जो उसकी वीडियो बना रहा है। जब वो इस स्कूल में आई तो उसने देखा कि उन लोगों के पास उसकी माँ की वीडियो पहले से ही है। ये देख कर वो बहुत खुश हुई थी क्योंकि उसकी माँ उन वीडियो में सच में बहुत खुश नज़र आ रही थी। सभी को अब पता चलता है कि वो अकाउंट जिसमें मिनामी की माँ की अनदेखी वीडियो पोस्ट हो रही थी वो अकाउंट मिनामी का ही था और वही उसे यूज कर रही थी। मिनामी बताती है कि वो बस उनके साथ एक छोटा सा मजाक कर रही थी। आगे मिनामी कहती है कि उसे उन लोगों के साथ मिलकर वीडियो वाली लड़की को ढूंढना अच्छा लगा, वो बस उनके साथ मजे करना चाहती थी। मिनामी एक बार फिर से उनसे माफ़ी मांगती पर कोई भी मिनामी के इस हरकत से नाराज नहीं होता है, सभी लोग उसे माफ कर देते हैं। मिनामी को शुरुआत में लगा था कि उसकी माँ का पहला प्यार शायद उनकी क्लास टीचर तकाशी है, लेकिन जब उसने अपनी माँ के लेटर में नाम पढ़ा तो उसे पता चला था कि उसमें माचुका मैम का सरनेम लिखा हुआ है, यानी कि उसकी माँ का पहला प्यार माचुका मैम है। माचुका मैम मिनामी से माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि जब उसने पहली बार मिनामी को देखा था तो उसे लगा कि वो मिजुकी है जो कि मिनामी की माँ का नाम है। उस समय उनकी पुरानी फीलिंग्स जो वो भुला चुकी थी फिर से उसे याद आने लगी थी। मिनामी से बात करके उन्हें लगता था कि वो मिजुकी से ही बात करे, इसलिए उन्होंने झूठ बोला कि तकाशी सर इस स्कूल में पहले से पढ़ चुके हैं। जब उन्होंने मिजुकी की वीडियो देखी तो एक पल के लिए वो डर गई थी कि वीडियो में वो भी ना दिख जाए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अतीत में जो भी हुआ उसमें उनकी थी। वो एक बार फिर से मिनामी के सामने मिजुकी का नाम लेकर माफी मांगती है। ऐसा लगता है जैसे वो मिजुकी से ही माफी मांग रही हो। माचुका मैम वहीं बैठकर रोने लगती है और उस दिन को याद करती है जिस दिन वो मिजुकी की वीडियो ले रही थी ताकि वो उनकी यादों को कैमरा में कैद कर सके। मिजुकी माचुका मैम की भी वीडियोज लेने की जिद करती है क्योंकि माचुका मैम हमेशा सिर्फ उसी की वीडियो बनाते रहती हैं, पर माचुका मैम मना कर देती है और फिर से मिजुकी की वीडियो लेने लगती है। मिजुकी माचुका मैम से कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर माचुका मैम अनकम्फर्टेबल फील करने लगती है। वो झूठी हंसी हंसकर मिजुकी से पूछती है कि वो जिस पसंद की बात कर रही है वो उस तरह की पसंद तो नहीं है ना जो दो लोगों के बीच होती है, क्योंकि वो दोनों लड़कियां हैं, उन दोनों का एक दूसरे को पसंद करना पॉसिबल ही नहीं है। मिजुकी गुस्से में उसे वीडियो लेने से मना करके चली जाती है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। अगले दिन स्कूल में मिनामी माचुका मैम को अपनी माँ की लेटर्स और कुछ वीडियोज देती है, ये बोलकर कि उसकी माँ शायद चाहती होगी कि ये चीज़ें उनके पास रहें। माचुका मैम भी मिजुकी की ओर से मिनामी को कुछ चीज़ें देती है। मिनामी खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करती है और थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ रियू, हिकारू और चीका को स्टोर रूम क्लीन करने की पनिशमेंट मिली होती, इसलिए वो लोग वही कर रहे होते हैं। मिनामी भी वहाँ आती है और देर से आने के लिए उनसे माफ़ी मांगती है। वो उन्हें वो चीज़ें दिखाती है जो माचुका मैम ने अभी उसे दिया था। उस बैग में कैमरा होता है, कुछ लेटर्स होते हैं और कुछ वीडियोज भी होते हैं। मिनामी सबको साथ में मिलकर वीडियोज देखने को कहती है। चीका वीडियो प्ले करती है जिसमें वो लोग मिनामी की माँ और माचुका मैम को बहुत इंजॉय करते हुए देखते हैं। वीडियो के एंड में वो लोग माचुका मैम को अकेले में कुछ कहते
हुए देखते हैं, पर ऑडियो नहीं होने की वजह से कोई समझ नहीं पाता है शिवाय मिनामी के। मिनामी उन्हें बताती है कि मार्सिका मैम ने वीडियो के एंड में आई लाइक यू टू कहा, यानी कि वो भी उनकी माँ को उतना ही पसंद करती थी जितना उसकी माँ उन्हें करती थी। उसके बाद मिनामी मार्सिका मैम का लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि ये उसकी सच्ची फीलिंग्स है। अतीत में मार्सिका मैम मिजुकी से अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी, पर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था, इसलिए बताने से पहले ही वो लोग दूर हो गए थे। अगले दिन सुबह सुबह ही हिकारू मिनामी को कैफे लेकर आता है क्योंकि उसने किसी से सुन रखा था कि यहाँ पर सुबह सुबह स्ट्रॉबेरी केक सर्व की जाती है। मिनामी अपने लिए ऑर्डर करती है। हिकारू भी अपने लिए हॉट मिल्क मंगवाता है क्योंकि कॉफी उसका पेट खराब कर देती है। हिकारू हिचकिचाते हुए मिनामी से कहता है कि वो इस बार अच्छे से उससे कुछ कहना चाहता। मिनामी समझ जाती है कि हिकारू अपनी फीलिंग्स की बात कर रहा। वो उस दिन के लिए हिकारू से माफ़ी मांगती है जिस दिन वो उसकी पूरी बात सुने ही भाग गई थी। मिनामी हिकारू से पूछती है कि क्या वो लोग अभी भी दोस्त हैं। हिकारू समझ जाता है कि मिनामी ने बिना कहे ही उसकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो दोस्ती के लिए मान जाता। तभी उनका ऑर्डर आ जाता है और वो लोग खाने लगते हैं। दूसरी तरफ रियू ने भी सुबह सुबह चीका से बात करने के लिए उसे टेरेस पर बुला लिया होता है। चीका अभी भी नींद में होती, इसलिए रियू उसे इतनी सुबह बुलाने के लिए माफ़ी मांगता। चीका को हैरानी होती है कि रियू इस बार उससे बात करने से घबरा नहीं रहा है। उसके बाद वो रियू से पूछती है कि क्या आज वो अपना सॉन्ग प्ले नहीं करेगा जो उसने उस दिन टेरेस पर किया था। रियू को चीका से बात करनी होती है। वो चीका से कहता है कि उसे खुशी हुई थी जब उसे पता चला था कि चीका उसके लिए क्या फील करती है। चीका के साथ रहकर उसे हमेशा कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन फिर भी वो उसे प्यार नहीं कर सकता है। रियू चीका के साथ ऐसा करने के लिए माफ़ी मांगता है। चीका कहती है कि रियू सच में बहुत बुरा है, पर फिर भी वो इस बार उसे माफ़ कर देगी। दोनों वापस से दोस्त बन जाते हैं। चीका ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। थोड़ी देर के बाद रियू भी नीचे आने लगता है। ठीक उसी वक्त हिकारू ऊपर ही आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को मॉर्निंग विश करते हैं और सीढ़ी पर ही बैठ जाते हैं। हिकारू रियू से शिकायत करता है कि उसने उसे बताया कि उन्हें कि स्टूडेंट्स को छत पर जाने की परमिशन मिल चुकी है। दोनों कुछ समय के लिए एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते हैं। रियू हिकारू से पूछता है कि क्या आज वो इसके लिए ब्रेड लेकर नहीं आया है। हिकारू बताता है कि वो ऑलरेडी कैफे में ब्रेकफास्ट कर चुका है। रियू को लगता है कि ब्रेकफास्ट के लिए हिकारू को ज़्यादा ही सजा धजा हुआ है। तभी हिकारू से बता देता है कि वो मिनामी के साथ गया था। मिनामी ने आज उसे ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है। ये जानने के बाद भी रियू हिकारू को कंसोल नहीं करता है, जिस पर हिकारू कहता है कि अगर उसका पुराना वाला रियू होता तो वो ज़रूर उसे कंसोल करता। रियू हिकारू से कहता है कि शायद एक रोमांटिक रिश्ते में रहने से ज़्यादा बेहतर दोस्ती के रिश्ते में रहना है। हिकारू कहता है कि रियू बहुत अच्छा है, अगर रियू नहीं होता तो पता नहीं वो क्या करता। जिस पर रियू हंसते हुए कहता है कि कभी कभी अच्छा बनना उतना भी अच्छा नहीं होता है। हिकारू को अच्छा नहीं लगता कि रियू अपने बारे में ऐसा बोल रहा। वो समझ पा रहा होता है कि रियू ये सब क्यों कह रहा है। कहीं ना कहीं उसे रियू के फीलिंग्स का एहसास था। वो रियू से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने कभी भी उसकी फीलिंग के बारे में कभी नहीं सोचा और ना ही कभी ध्यान दिया। हिकारू रियू से पूछता है कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए। अगर रियू उनकी दोस्ती तोड़ना चाहता है तो वो उसे रोकेगा नहीं। रियू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हिकारू से कहता है कि अभी जैसा चल रहा है वो ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को संभाल लेगा, उसे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हिकारू एक बार फिर से उसे सॉरी बोलता है। रियू उसे बार बार माफ़ी मांगने से मना करता है। वो आखिरी बार हिकारू के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है कि ये उसकी पहली और आखिरी रिक्वेस्ट है। हिकारू उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। थोड़ी देर के बाद रियू अपना हाथ हटाता है और हिकारू से पूछता है कि क्या वो आज उसके साथ क्लास बंक करना चाहता है। हिकारू मान जाता है। तभी चीका और मिनामी भी वहाँ अचानक आते हैं और उनकी वीडियोज लेने लगते हैं। वो भी उनके साथ क्लास बंक करके एक दूसरे का वीडियोज बनाने लगते हैं। इस तरह ये ड्रामा यहीं ख़त्म होता है। हर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जरूरी थोड़ी ना होता है। शायद किस्मतों में कुछ प्यार का मिलना लिखा ही नहीं होता है। शायद इसलिए तो फिलहाल
साल रियो और हिकारू को उसका प्यार नहीं मिल पाया, क्या पता आगे उन्हें उनका प्यार मिल जाएगा। मुझे तो ये ड्रामा बहुत पसंद आया और बहुत रियलिस्टिक भी लगी। ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करें, और वैसे भी प्यार का दूसरा नाम भी तो दोस्ती है, तो वो लोग अभी दोस्त है, क्या पता फ्यूचर में वो लोग एक दूसरे का प्यार बन जाए। तो आप लोग बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नए ड्रामे के साथ, टिल देन बाय बाय।